बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जल्दी से उसका रुख भी कर लें। आपको बता दें दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगेगा, ये जानकारी अब सामने आ रही है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू लगेगा, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई है, केसेस बढ़ रहे हैं और इसके बाद ये कहा जा रहा था कि पाबंदियां अब और बढ़ेंगी, सोचा जाएगा। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है और इसी के साथ साथ दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू अब लग जाने वाला है। जरूरी सेवाओं को यहां पर सिर्फ छूट मिलेगी। वीकेंड कर्फ्यू लगाने की बात सरकार ने कही है। अभी जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है, आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन ये माना जा रहा था कि पाबंदियां अब और बढ़ेंगी क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। उसको थामने के लिए जरूरी था कि कुछ और कदम सरकार की तरफ से उठाए जाए। उसी दिशा में अब यह कदम उठता हुआ नजर आ रहा है। निजी दफ्तरों में 50% की इजाजत दी गई है, यानी 50% की ही सिर्फ इजाजत दिल्ली में होगी। निजी दफ्तर जो है, वीकेंड कर्फ्यू भी इसी के साथ साथ लगेगा और एहतियाती कदम भी उठाए जाएंगे। मास्क ना लगाने पर जुर्माने की बात तो पहले से चल रही थी और ऐसे में भीड़ बाजारों में कम हो, वीकेंड में भीड़ बहुत होती है, वो कैसे कम हो, इसीलिए ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। पंकज जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। पंकज, क्या क्या फैसला लिया गया? देखिए, ये बैठक डीडीएमए की बेहद अहम थी और इस बैठक में इस बात को लेकर फैसला लिया गया कि किस तरीके से बाजारों में जो भीड़ उमड़ रही है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन जिस तरीके से फैल रहा है देश की राजधानी में, उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सख्ती की जाए। और अब ये फैसला लिया गया है कि वीकेंड में कर्फ्यू लगाया जाएगा, यानी कि वीकेंड में दिल्ली के तमाम बाजार बंद रहेंगे और साथ ही साथ किसी भी तरीके से दिल्ली में लोगों को जरूरी सेवाओं के अलावा बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि जो जरूरी सेवाएं होती है, जाहिर सी बात है, मेडिकल दुकानें होंगी, दूध सब्जी से जुड़ी हुई जो दुकानें होंगी वो खुली रहेंगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में एक औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा जिसमें ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कितने बजे से कितने बजे तक ये कर्फ्यू लागू होगा और कौन सा ऐसा समय होगा जब लोग घर से बाहर निकल सकेंगे अपने जरूरी सामान को खरीदने के लिए। और इसके अलावा एक अहम फैसला और भी लिया गया है, सरकारी दफ्तरों में ये नियम लागू कर दिया गया है कि 50% क्षमता के साथ ही इन दफ्तरों में अब कर्मचारियों या अधिकारियों को काम करने के लिए बुलाया जाएगा और बाकी सभी लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये एक अहम फैसला है क्योंकि देश की राजधानी में जिस तरह से 6% से ऊपर संक्रमण दर पहुंच गया है, उसके बाद बहुत जरूरी था कि इस बढ़ते हुए संक्रमण पर लगाम लगाई जाए। हालांकि दिल्ली में पहले ही येलो अलर्ट लागू है, येलो अलर्ट के तहत तमाम पाबंदियों को अंजाम दिया गया है, चाहे वो सिनेमाघर हो, जिम हो, योग संस्थान हो, इन सभी को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब इस बात को लेकर बैठक में चर्चा हुई कि दिल्ली में फिलहाल जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर मरीजों की संख्या कितनी है, तो ये देखने के लिए मिला है कि पिछले साल के मुकाबले जब दिल्ली में कोरोना पीक पर था और इस साल जब दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो अस्पतालों में कितने मरीज भर्ती हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें ये नजर आ रहा है कि फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में चाहे वो विदेश से आए हुए यात्री हो या अन्य राज्यों के यात्री हो, उनकी संख्या 400 के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में इस बात का काफी ध्यान रखा जा रहा है कि क्या गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ तो नहीं रही है। पंकज, आप नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी पर, एक बार फिर से आपसे बात करेंगे।